मेरे घर में जो वाटर का मशीन ठीक करने आता है उसका नाम है लाल सिंह। मैं सबका नाम पहले पूछता हूँ, याद रखिएगा, तुमसे भी पूछा था कल। दुनिया का नियम याद रखिएगा, दुनिया में हर व्यक्ति को अपना नाम सबसे प्यारा है। मैंने कहा लाल सिंह भाई, भाई कह के बात करते तो दोस्ती हो गई घर में। 500 लोगों का वो अकेले सर्विस देते हैं एक साल में, आरओ मशीन, और पर सर्विस चार्ज उनका 2100 रुपये साल का है, और पर्सनली सर्विस देते हैं 500 लोगों, और वो ऐसी सर्विस है 24 घंटे में आप खाली 12 से 7 रात के बीच वो नहीं आएंगे, वरना आप फोन करो लाल सिंह तुरंत घर पे आएंगे। और एक पैसे का विज्ञापन नहीं, एक बंदा 4 को रेफर कर रहा है, 4-8 को रेफर कर रहा है, 8-12 को रेफर कर रहा है। क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं दोस्तों? योजना का मतलब है कि मेरे कस्टमर मेरे ब्रांड एम्बेसडर कैसे बने हैं। कम्युनिकेशन वर्ड हैज कम फ्रॉम कम्युनियन, विच मींस व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी यू टॉक इन सच अ वे दैट यू क्रिएट अ स्पेस इन द हार्ट ऑफ द अदर पर्सन। टॉक विथ योर आईज, टॉक विथ योर एक्सप्रेशन, टॉक विथ योर बॉडी लैंग्वेज, टॉक विथ योर फुल पर्सनैलिटी। डोंट बी अ डेड बॉडी व्हाइल यू आर टॉकिंग। टॉकिंग इज अ रिवीलिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी। व्हेन यू टॉक यू रिवील योर पर्सनैलिटी। Choose right word when you talk. Choose good quality word when you talk. Choose sensitive word when you talk. Give yourself totally when you talk. And then you will realize you are remembered in the heart of the person even if you are gone. आप एक परिवर्तन करके देखिए, जितने भी मेरे बिजनेस साथी यहाँ पे बैठे, अपनी दुकान में एक परिवर्तन करके देखिए, ऑफिस में स्टाफ को फिट कीजिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक कीजिए, उनका एक्सप्रेशन ठीक कीजिए, जब भी कोई कस्टमर आए वो अच्छे से बिहेव करें। कस्टमर कीमत नहीं खरीदता है, व्यवहार खरीदता है। आप अपने 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 प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके देख लो। मैं चुनौती देता हूं, बिल्कुल नहीं सेल बढ़ने वाली है। कभी रोल्स रॉयस की दुकान पर जाकर आपने पूछा थोड़ा दाम कम कर लेते तो अच्छा होता है? कितना माइलेज देती है रोल्स रॉयस? माइलेज देती है? रोलेक्स कंपनी के मालिक से पूछा गया तुम्हारी घड़ी 1,00,000 रुपए से शुरू होती है भाई, इतना कॉस्टली क्यों? जवाब सुनिए, मैं घड़ी नहीं बेचता हूं, स्टेटस सिंबल बेचता हूं। घड़ी तो लोग बेचते, मैं स्टेटस सिंबल बेचता हूं। So I went to my friend, I said, तूने किस जगह मुझे रेफर किया यार? They don't know how to serve. The products are good, but the service is bad. Are we there? And you will see why small, small action deviate us from getting business or client. हमारे हाथ से निकलता रहता है. We don't even realize because we don't do any workshop. We are not upgrading them. We are not taking training. I always say once in a week, come on, sit down with your colleagues and friends, give them training. You become trainer. So everyday monotonous life is taking place. The guy's hand is functioning, the heart is not functioning. He's not there on the job. उन्हें specialization में इतना बढ़िया बन जाओ कि bigger giant कोई भी आ जाए, चाहे foreigner ही क्यों ना आ जाए। बड़ी कंपनी आती है ना, अचानक से मार्केट को डिस्टर्ब कर देती है। टैक्सी चल रही थी, उबर आई, मार्केट खत्म टैक्सी की। रिटेल चल रहा था, अमेजोन आया, मार्केट खत्म। मार्केट खत्म का अभी हम दौर से गुजर रहे हैं। यानी आप कन्वेंशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, अचानक से कोई टेक्नोलॉजी लेकर आया, आप आउट। बड़ा आप हैरान रह जाएंगे। मुझे इन्हीं रिटेल वालों को ट्रेनिंग देने में मजा आता है कि वो कितना बड़ा भी खिलाड़ी क्यों ना हो, आप उससे बड़े खिलाड़ी बन सकते हो। ये मेरा चैलेंज है अपने देश के लिए। उससे एक बार किसी ने इंटरव्यू में कहा, आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ, बात में दम है। अब मुझे कुछ अपने कॉन्सेप्ट में परिवर्तन लाना पड़ेगा। मैं अपने देश के लिए क्या कर रहा हूँ? उसके बाद ये आइडिया आया। उसके बाद मैंने लॉन्च किया कि मैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से अपने देशवासियों को इतना बड़ा बना दूंगा, कोई भी बाहर से खिलाड़ी आ जाए बीट नहीं कर पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। ब्रांडिंग का मतलब है आप सभी काम में हीरो ना बने, एक काम में चैंपियन बने। Let's go branding. Let's go. मैंने किसी से पूछा आप किस तरह का बिजनेस करते हैं? सर मैं सीजनल बिजनेस करता हूं। मैंने कहा वो कौन सा बिजनेस है? जाड़ों में जाड़े का बिजनेस, गर्मी। आई सेड नो, यू आर स्पॉइलिंग योर ब्रांडिंग। लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, और रफी साहब ने गाना गाया था, तुम मुझे यू भुला ना पाओगे। दैट्स ब्रांडिंग, दैट्स ब्रांडिंग। और दो तरह की ब्रांडिंग होती है, एक ऑर्गेनाइजेशनल ब्रांडिंग, एक पर्सनल ब्रांडिंग। जो मन सपने देखना नहीं जानता है वो सांस ले रहा है पर मर चुका है।
जिसका वाई क्लियर है वो आपसे पता है क्या पूछेगा, मुझे आप केवल ये बताइए क्या करना है, मैं पता लगा लूंगा कैसे करना है। जिसका वाई क्लियर नहीं है, मैंने कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे घर में आग लगती है तो खोल के यूट्यूब देखते हो, घर में आग लगी है बाहर कैसे कूदे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, यू जस्ट जंप आउट ना। सो व्हिच मींस योर वाई इज नॉट क्लियर। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ राजेश जी, आई वॉन्ट टू बिकम अ स्पीकर, आई वॉन्ट टू बिकम अ ट्रेनर। मैं आपको मिलवाऊंगा हमारी पार्टिसिपेंट, शी वॉज अ हाउस वाइफ एंड शी ज्वाइन माई कोर्स, शी नेवर आस्क्ड मी राजेश वाई, उसका वाई क्लियर था। She said, मैं चाहती हूँ मेरा पति मेरे नाम से जाना जाए। हम सफल रहा है, आप सबका साथ है, उसका आशीर्वाद है तो डर की क्या बात, सात सुरों का साज है, जलजला मिजाज है, आप दिल से बजा दे तालियां फिर मेरी आवाज। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में एक गलत शब्द आपके पूरे प्रेजेंटेशन को खराब कर देता है। आपको याद रखिएगा, आपकी ड्रेस, आपकी एड्रेस और आपके बात करने का सलीका आपको नेटवर्क का हीरो बनाता है। तो कौन सी चार बातें हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको जीरो से हीरो बनाती है? जिसकी ड्रेस ठीक है, जिसका एड्रेस ठीक है, जिनका अल्फाज ठीक है, जिसका अंदाज ठीक है, वो पहले आपको ज्वाइन करेगा, बाद में कंपनी ज्वाइन करेगा। नया माइंड कैसे तैयार किया जाता है, मैं दो तीन टिप्स आपको बता देता हूं। सूरज हर रोज वही होता है, आप कोशिश करें नेक्स्ट 21 दिन हर दिन के सूरज को नए तरीके से देखने की और उसकी फोटो लेने की कोशिश करें। जिस व्यक्ति ने सुबह का सूरज हर दिन नए तरीके से देख लिया उसको कोई पुराना नहीं कर सकता है। आपको रास्ते में जैम बहुत मिलेगा, लेकिन जैम के अंदर भी म्यूजिक चला के आप खुश हो गए तो आपको कोई बोर नहीं कर सकता है। नया जॉब हमेशा खुश नहीं बनाता है, उसी जॉब को नया बनाने की कला खुश बनाता है। रोल मॉडल का मतलब है जो हो सकता है टर्नओवर में नंबर वन ना हो, इज्जत में नंबर वन हो, रेप्यूटेशन में नंबर वन हो, जिसकी चर्चा हर व्यक्ति करना चाहे। ब्रांड का मतलब यह होता था कि किसी एक प्रोडक्ट में नंबर वन क्यों। टाटा की अपनी वैल्यू सिस्टम इतनी बड़ी है कि वो जिसमें हाथ डालेगा नंबर वन बन जाएगा। yes.